हाय गाइस, मैं हूँ श्रेया गोस्वामी और फूड तक में आपका स्वागत है। आज मैं एक अंडे की रेसिपी आपको बताने वाली हूँ जिसे कहते हैं नॉर्थ अफ्रीकन एग्स। आपको ये नाम थोड़ा विदेशी लग रहा होगा और अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये बहुत इजी रेसिपी है और ये इसमें बेसिकली फ्राइड एग होता है। लेकिन सिर्फ फ्राइड एग नहीं होता है, काफ़ी सब्जियाँ होती हैं जिसकी वजह से ये डिश अगेन वन पॉट डिश है और आप इसे बना के आराम से खा सकते हैं, बहुत इजीली ये बन सकता है। तो आइए बनाते हैं नॉर्थ अफ्रीकन एग्स। इसके लिए हमें चाहिए 3 अंडे, जिंजर गार्लिक पेस्ट, पीला वाला कैप्सिकम कटा हुआ, लाल वाला कैप्सिकम कटा हुआ, हरा वाला कैप्सिकम कटा हुआ, जीरा, प्याज कटा हुआ, टमाटर कटा हुआ, ग्रीन चिली कट किया हुआ, धनिया पत्ता कट किया हुआ और तेल। साथ में हमें चाहिए नमक, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स, और आखिर में हमें चाहिए बटर। सबसे पहले हम डालेंगे तेल, काफ़ी सारा तेल एक बार में डाल लीजिए क्योंकि हम इसके बाद इसमें तेल नहीं डालेंगे। मैंने डाला है 5 चम्मच तेल। तेल अब काफ़ी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा। इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च, फिर हम डालेंगे कटा हुआ प्याज, ये रेसिपी आप जैसा देखेंगे बहुत ही आसान है और इसमें सभी सब्जियों को हम एक साथ पकाते हैं, इसीलिए इसके बाद ही हम डाल देंगे हरा कैप्सिकम कटा हुआ, लाल कैप्सिकम कटा हुआ और पीला कैप्सिकम कटा हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये डिश बहुत ही कलरफुल है। इसमें हम आगे डालेंगे टमाटर, जितनी वैरायटी के आप वेजिटेबल्स डाल सकते हैं इसमें उतने आप डालिए क्योंकि कलर जो है इसका बहुत निखर के आएगा। अब हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, बहुत थोड़ा सा, हमेशा याद रखिए कि सब्जियों को पकाते वक्त पहले ही उनमें नमक मत डालिए, नमक डालने से उनका रंग जो है वो उड़ जाता है। सब्जियां काफ़ी पक चुकी हैं, अब हम इनमें डालेंगे नमक स्वादानुसार, और अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो थोड़े से चिली फ्लेक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमने ज़्यादा मसाले डाले नहीं हैं। अब हम इस डिश की खासियत पे गौर करेंगे। सब्जियां जो पक चुकी हैं उनमें हम 3 इक्वल साइज्ड गड्ढे बनाएंगे। ये बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इन गड्ढों में, जैसा कि अब आप गैस कर चुके होंगे, हम अंडे डालने वाले हैं, तो इन गैप्स को इक्वल साइज़ का बनाइएगा और हो सके तो इनके बीच का जो ये दीवार है वो थोड़ा ऊंचा रखिए जिससे एक अंडा दूसरे अंडे के साथ मिक्स ना हो जाए। हर गड्ढे में एक बटर का क्यूब डाल दीजिए और बहुत ध्यान से हर एक गैप में अंडा फोड़ के रखिए। इस तरह से जितना ध्यान से हो सके, अब इन अंडों के ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क दीजिए, ज़्यादा नहीं,
नमक आप ऊपर से बाद में भी छिड़क सकते हैं और इसके ऊपर डालिए, पीले वाले हिस्से पे नहीं, उसके अगल बगल में काली मिर्च। अब इस अंडे को इसी तरह से पकने दीजिए जब तक ये वाले बाहर वाले पोर्शंस जो हैं वाइट एग वाइट्स वो कम्प्लीटली कुक ना हो जाए। अगर आप एग योक थोड़ा रनी साइड पे खाते हैं तो इसे रनी ही रहने दीजिएगा, पर वाइट्स कम्प्लीटली कुक होने चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं अंडे पक चुके हैं, उनके वाइट्स जो हैं कम्प्लीटली कुक्ड हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं नॉर्थ अफ्रीकन एग्स तैयार हैं, इसे आप टोस्टेड ब्रेड के साथ इंजॉय कीजिए। और ऐसी ही ढेर सारी रेसिपीज़ के लिए हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।